ओपन करना है फेसबुक ब्राउजर, इसे हम ओपन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जाएंगे सेटिंग पे, सेटिंग पे हम जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन आएगा सबसे ऊपर, इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे सबसे टॉप पर ही हमें नेम का ऑप्शन दिख रहा है, इसे क्लिक करेंगे। तो चलिए, अगर आपको कंफर्म है कि आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे स्टाइलिश नेम रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे अभी पड़ा हुआ है आशीष और उमराव जो मेरा नाम है, तो ऐसे ही कई सारे नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए देखिए, मैं दूसरा एक टैब ओपन कर लेता हूँ जिसपे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉन्ट स्टाइल ऑनलाइन, इसे आप ओपन करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे सेकेंड जो वेबसाइट है आप इसे ओपन करेंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट गोज हियर का एक ये बॉक्स दिखेगा। यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे टाइप कर दें। तो जैसे ही आप अपना नाम यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे नेम आपके स्टाइलिश फॉन्ट में ऑटोमेटिक क्रिएट होके, डिज़ाइन होके आपके सामने आ जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई पसंद आता है तो आप यहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये इसे यहाँ से कॉपी कर लिया और उसके बाद यहाँ दूसरे टैब पे चला जाता हूँ पीछे, जहाँ पे फेसबुक ओपन है, और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए, आपको ये लास्ट नेम यहाँ पे नहीं पिक करना है, आपका जो लास्ट नेम है तो आपको यहाँ पे वही रखना है। यहाँ से मैं फर्स्ट नेम हटा देता हूँ, ये देखिए आशीष उमराव, ये मेरा नाम यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप इस वेबसाइट पर आपको कोई नाम पसंद नहीं आता तो आप बैक चले जाइए और उसी वेबसाइट के नीचे वाली वेबसाइट, इस वेबसाइट पर भी स्टाइलिश फॉन्ट मिल जाते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैं अपना नाम डालूँगा तो यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे स्टाइलिश फॉन्ट यहाँ पर भी आ जाते हैं, तो आप यहां से कॉपी कर सकते हैं। तो ये नाम मैंने यहां पे फिल कर दिया और उसके बाद ये रिव्यू चेंज पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो एक प्रीव्यू आपको दिखाई देगा कि आप अपना कंफर्मेशन पूछा जाएगा फेसबुक की तरफ से कि आप अपना नेम चेंज करना चाहते हैं, कंफर्म है या नहीं। तो उसके बाद आप कंफर्म कर देंगे तो उसके बाद आपके फेसबुक का पासवर्ड पूछा जाएगा, उसके बाद आपके फेसबुक का नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि मान लीजिए अगर आप कोई फेसबुक का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, मतलब हो सकता है कि यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन ना दिखे आपके फेसबुक ब्राउज़र में, तो उसके लिए आप यूसी ब्राउज़र पे भी अपना फेसबुक लॉगिन करके वहाँ से सिंपली जो स्टेप है वो फॉलो करने